हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ड्रामा प्यार के सदके की रियल सैलरी की डिटेल बताऊंगी और ये इन्फॉर्मेशन 100% रियल होगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने पार्क मीडिया टेक से ली है जो कि 100% ऑथेंटिक है। यमुना जैदी ने इस ड्रामे के प्रोजेक्ट को साइन करने के 45 लाख लिए हैं। वैसे तो ड्रामों में इनकी स्पॉन्सरशिप की जो पेमेंट है वो 10 से 12 लाख के करीब बन जाती है, लेकिन क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक इनको इस ड्रामे में ज्यादा स्पॉन्सर्स ऑफर नहीं हुए तो इसलिए इनको सिर्फ 3 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप के रिसीव हुए हैं इस ड्रामे से। तो इनका जो टोटल पेमेंट इस ड्रामे की रिसीव हुई वो 48 लाख बनी। और जब यमुना से पूछा गया कि उन्होंने इस ड्रामे को एक्सेप्ट क्यों किया, उसकी क्या वजह थी, तो उन्होंने ये कहा, अब्दुल्ला और माजबीन का इंटरेक्शन और इस तरह के स्क्रिप्ट्स जो है ना वो बहुत कम बनते हैं, तो अगर इस तरह की कोई ट्रीट मिल रही हो ना तो उसे फौरन पकड़ लेना चाहिए। मैंने उसको फौरन ले लिया। माजबीन का कैरेक्टर जिस तरह है ना, जितना प्यारा और मासूम है, मैंने वो, मैं अमेरिका में थी, मैंने वो 3 किस्तें पढ़ी थी और मैं तो आई फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर। अतीको ऑर्डो जो है वो बहुत कम ड्रामा साइन करती हैं, इनके जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वो एक खुद बिजनेस वुमेन है तो वो इसलिए बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं और यही वजह है कि वो जो ड्रामों के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत चुनकर साइन करती हैं। इस ड्रामे का जो एग्रीमेंट इन्होंने डायरेक्टर के साथ साइन किया है वो 56 लाख का था। इनकी एज 52 ईयर है और इस ड्रामे में इन्होंने उमेर की बीवी का रोल प्ले किया है और ये भी उम्र में उनसे बड़ी हैं। बिलाल अब्बास को इस ड्रामे के प्रोजेक्ट के लिए 45 लाख ऑफर हुए थे, लेकिन फाइनली जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था वो 48 लाख का हुआ था। तो इनके डायरेक्टर इनसे बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इस ड्रामे में जो इन्होंने अपना रोल है वो बहुत बखूबी निभाया है और लोग भी इनके रोल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इनके फैंस इनको स्पेशली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ही ज्यादातर बिजी रहते हैं, इवन उन्होंने अभी तक शादी के बारे में भी नहीं सोचा, उनका पूरा फोकस अपने करियर पे है। बिलाल अब्बास को एक्सरसाइज और जिम का बहुत ज्यादा शौक है, वो अपनी भी पिक्चर्स और वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं और उनके जो नेफ्यू हैं उनको भी वो ज्यादातर जो जिम और एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहते हैं। यमुना को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, या तो अपने वो फारिक टाइम में म्यूजिक सुनती रहती हैं या अगर आप उनकी कलेक्शन देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर रखे हैं। वो कहती हैं, मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे फिर भी गाना गाने का शौक है तो मैं थोड़ा बहुत गा ही लेती हूँ। अब मैं आपको बिहाइंड द सीन की कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। देखें इस तरह से डायलॉग बैठ के माजबीन याद करती रहती हैं हर वक्त, और अब देखें हम सिर्फ ऊपर का सीन देख रहे होते हैं, नीचे आप देखें राइटर या डायरेक्टर वो बैठे उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। और जो माजबीन है उनको ज़्यादातर एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन देती हैं। हमें तो बजाय स्क्रीन पर दो लोग नज़र आ रहे होते हैं लेकिन आप देखें बैकग्राउंड में पूरी कास्ट जो है इनकी वो इधर मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि कैमरा करीब होता है हमें वो ज़्यादा दिखते नहीं हैं। और अब आप ये उनके डायरेक्टर देखें, हम उनको डायलॉग समझा रहे हैं, काफ़ी सीरियस लेती हैं, लेकिन जब भी वो माजबीन के जो डायलॉग्स हैं वो पढ़ती हैं, वो आप इनकी इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं, कहती हैं क्योंकि माजबीन का करेक्टर ही ऐसा है, इतना फ़नी। और इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं उनकी भी बर्थडे आई इस दौरान, उन सब ने मिलकर उसका केक काटा। और माजबीन जैसा कि आप सबको पता है बहुत ही फ़नी हैं, वो अपने हेयर स्टाइल बनाते हुए भी वो अपना ही मजाक उड़ाती हैं खुद ही और सब लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाती हैं। तो उन्हें वैसे भी जो न्यू जनरेशन को शौक होता है अपनी पिक्चर्स खिंचवाने का, सेल्फीज लेने का, तो वो शूट के आप देख सकते हैं कि ये वो अपनी जो है शूटिंग के दौरान भी वो अपनी पिक्चर्स ही खिंचवाती रहती हैं। और ये इनके साथ बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि ड्रामे में तो हम लोगों की आपस में नहीं बनेगी आगे जाके, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि हम इस ड्रामे से पहले ही एक दूसरे को जानते हैं तो हमारी जो आपस में बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप इनकी ये पिक्चर भी देख सकते हैं, ये जो इनके कैमरामैन हैं उनके साथ माजबीन बहुत ही अच्छी इंसान है, वो बिल्कुल ये चीज़ नहीं करती कि वो छोटे हैं हमारे से या हमसे नीचे वो जॉब करते हैं, वो बिल्कुल उनके साथ उसी तरह से फ़न करती हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह। और जो राइटर हैं उन्होंने इनको माजबीन को उनका स्केच बनाकर गिफ्ट किया, वो उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुई। और इस ड्रामे में तो वैसे इनकी मदर बनी है लेकिन वो ये कहती हैं कि वो मेरी बिल्कुल बड़ी सिस्टर की तरह है। शूटिंग के दौरान अब्दुल्ला का बर्थडे भी आप देख सकते हैं, इनके फैन ने इन्हें बहुत ही खूबसूरत पिलो इनकी पिक्चर प्रिंट हुई हुई इनको गिफ्ट किया, और जो इनकी पूरी कास्ट है उन्होंने इनका केक काटा, उनका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आपको अक्सर इनकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा साथ दिखेंगी, लोग कहते हैं कि ये अच्छा कपल बन सकते हैं अगर ये लोग चाहें तो, लेकिन अब ये तो इन पर डिपेंड है, लेकिन हर बहुत क्यूट लगते हैं ये लोग भी साथ। और जो ये हैं आजकल ये जो है इनको सिंगिंग का जो है वो जोश चढ़ा हुआ है, ये अक्सर जो इन्होंने स्पेशली बुलाए हुए हैं सिंगिंग सीखने के लिए क्योंकि उनकी भी कोशिश है, जैसे आजकल जो हीरोइंस हैं वो अपना OST गा रही हैं तो इन्होंने सोचा कि ये भी कभी ट्राई करेंगी तो सिंगिंग सीख रही हैं आजकल।
और इस ड्रामे में जिन्होंने अब्दुल्ला की मदर का रोल प्ले किया है, वैसे तो वो थोड़ी एज की लगती हैं थोड़ी, लेकिन जो है वो बिल्कुल अपनी एज से बिल्कुल जो है अपोजिट हैं वो, क्योंकि वो बिल्कुल यंग लोगों की तरह उन लोगों के साथ पिक्चर्स खिंचवाती हैं, उनके साथ फ़न करती हैं। आप देख सकते हैं वो कहती हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं फील होता कि ये जो है हम में एज गैप है, हमें ज़रा एज डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। वो बिल्कुल उनके साथ एज अ फ्रेंड जो है वो रहती हैं, उनके साथ सेट पर मिलकर उसी तरह से फ़न करती हैं, बल्कि जोक्स भी बहुत ज़्यादा ये सुनाती हैं पूरे सेट पर। तो मैं आपको इनकी पूरी टीम की भी पिक्चर्स दिखा रही हूँ, और ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। महजबीन और अब्दुल्ला के इंटरव्यू भी हुए, आप देख सकते हैं जितने भी इनके जो शूट्स हैं, बल्कि उधर भी कैमरामैन वगैरह पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मिलियन में इस ड्रामे के व्यूज़ जा रहे हैं, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे इस ड्रामे से, क्योंकि इनकी पूरी कास्ट जो है आप देख सकते हैं कितनी फ्रेंडली है, कितनी अच्छी हैं, इतनी ज़बरदस्त जो इनकी पूरी की पूरी कास्ट है, स्पेशली महजबीन जो कि उसमें सबसे ज़्यादा फनी करेक्टर हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।